हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं इस दिन राशि के अनुसार किस चीज का दान करना चाहिए। पूर्णिमा पूर्ण अंक है और पूर्णिमा से वह मास पूर्ण होता है जो कि पिछला चलता होता है। अगले दिन से नए मास का प्रारंभ होता है, इसलिए कार्य की पूर्णता के लिए पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और पूर्णम के दिन, पूर्णिमा के दिन राशि के अनुसार दान भी करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा इस जून के दिन हम सभी को प्राप्त हो रही है। इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखने वालों को भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जो इस पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार दान धर्म करता है उसको विशेष सुख की प्राप्ति होती है। इसमें सर्वप्रथम मेष राशि वालों को गुड़ का दान करना चाहिए, सब राशि वालों को मिश्री का दान करना चाहिए जो कि उनके लिए शुभ माना जाता है। मिथुन राशि वालों को मूंग, हरे मूंग का दान करना चाहिए और कर्क राशि वालों को चावल का दान करना चाहिए, उनके लिए अत्यंत शुभ कारक रहेगा। राशि वालों को गेहूं का दान करना शुभ है। कन्या राशि वालों को चूड़ियों का दान करने से बुद्ध महाराज प्रसन्न होंगे और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों को फल, जो मौसम चल रहा है मौसम के अनुसार फलों का दान करें तथा वृश्चिक राशि वाले इस दिन चने की दाल, गुड़ अथवा चने को दान कर सकते हैं। राशि वालों को पीले वस्त्र तथा पीली मिठाई का दान करना अत्यंत शुभ है तथा मकर राशि वालों को काले वस्त्र और उड़द की दाल से बनी हुई या उड़द की दाल या उड़द की दाल से बनी हुई मिठाई का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वाले काले वस्त्रों का दान करें, काला उड़द दान करें तथा मीन राशि वाले भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए उनको पीले पुष्प, पीला वस्त्र तथा हल्दी एवं बेसन से बनी हुई मिठाइयों का दान करें।